इस वक्त कजाफी स्टेडियम के बाहर के ये मनाजिर हैं, ये आप देख रहे हैं पीएसएल के डुप्लीकेट ट्रॉफी, और ये सिक्योरिटी के इदारे जो हैं इन्होंने कजाफी स्टेडियम के बाहर अपनी जिम्मेदारियां संभालनी हैं। और ये आप देख रहे हैं पंजाब रेंजर्स को और पंजाब पुलिस के सैकड़ों की तादाद में नौजवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इस वक्त ये एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पर, क्योंकि टीमें जो हैं वो कल से लाहौर पहुँचना शुरू कर रही हैं, और कल कराची के अंदर आखिरी लेग है पाकिस्तान सुपर लीग की, और उसके बाद फिर पाकिस्तान सुपर लीग जो है लाहौर शिफ्ट होने जा रही है। और ये कजाफी स्टेडियम का मेन मरकज़ी गेट आप देख रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग फाइनली अब लाहौर आ रही है, और अभी तक लाहौर के जो टिकट्स हैं उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई फ़ैसला नहीं किया लाहौर में क्राउड कितनी तादाद में आएगा, क्योंकि कराची में 25% क्राउड को इजाज़त दी गई थी, लाहौर में पीसीबी ने रिक्वेस्ट कर रखी है 50% क्राउड की कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में आके जो है ना वो मैचेस से लुत्फानंदोज़ हो सकें। कल पीर के रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तवक्को कर रहा है कि एनसीओसी की तरफ से पीसीबी को वो जवाब मिल जाएगा कि कितने फ़ीसद क्राउड जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के लिए लाहौर में होगा। लाहौर कलंदर मेज़बान टीम है, और मेज़बान टीम होने के नाते कलंदर्स अपने होम ग्राउंड पर अब किस तरह का परफॉर्म करेंगे ये भी कलंदर्स के लिए एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। लेकिन एक बात तो तय है कि लाहौर के मैचेस जो हैं वो जैसे कराची के अंदर हर मैच में 150 और 200 रन्स बन रहे हैं, और वो 200 रन्स अब यहाँ लाहौर में होंगे या नहीं होंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सो ये कजाफी स्टेडियम का मरकज़ी दरवाज़ा है, सरफराज अहमद, इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, वहाब रियाज, शादाब, बाबर और रिजवान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर लगा दी हैं, और सिक्योरिटी के इदारों ने अब कजाफी स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया है। और पाकिस्तान सुपर लीग के टिकट्स की फ़रोख्त भी जो लाहौर के मैचेस हैं उसके लिए एनसीओसी का जो पीसीबी के साथ प्रॉमिस है कि कितनी तादाद में क्राउड भेजेंगे वो 25% है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट कर रखी है कि 50% जो क्राउड है उसको पीएसएल में आने की इजाज़त दी जाए, और अगर 50% क्राउड को इजाज़त मिलती है कजाफी स्टेडियम में आकर मैच देखने के लिए तो 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी पीसीबी ने रिक्वेस्ट कर रखी है कि 12 साल के कम उम्र के बच्चे जो हैं वो भी कजाफी स्टेडियम आएँ और कजाफी स्टेडियम आकर पीएसएल के मैचेस से लुत्फानंदोज़ हो सकें। लाहौर कलंदर की टीम ने कल कराची में अपना आखिरी राउंड मैच खेलना है, उसके बाद ये होम ग्राउंड बन जाएगा लाहौर कलंदर्स का, और जो एक अरसे से लाहौर मिस कर रहा था पाकिस्तान सुपर लीग को, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद लाहौर को मिले हैं, अब लाहौर जो है वो पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान सुपर लीग की मेज़बानी करने के लिए। और ये आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के तमाम तर जो इदारे हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। सो फाइनली पीएसएल लाहौर आ रही है।